जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग भी इसी तरीके से ट्रेड कर सकते हो। तो देख सकते हो गाइज, यहाँ पे हमारी ट्रेड शॉर्ट शॉर्ट गिर गई, फिर से जो है डाउन के लिए ट्रेड कर देंगे गाइज। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा, मुझे एंट्री यहाँ पे मैंने लगाया था, लगा नहीं तो यहाँ पे मैं कर दिया हूँ गाइज। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने फिर से डाउन। हाय गाइज, कैसे हो आप सब? तो गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग कोटेक्स में लाइव कंपाउंडिंग करने वाले हैं $5 से। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरे लाइव अकाउंट में $5 है। आज इस अमाउंट को हम लोग कंपाउंडिंग करेंगे और देखते हैं कहाँ तक ग्रो कर पाते हैं। जो मेरा टारगेट है $10,000 का टारगेट है, उसको अचीव कर पाते हैं कि नहीं गाइज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि गाइज आप सभी लोगों को कंपाउंडिंग का वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जो मेरा $1 से 1 CR का कंपाउंडिंग का वीडियो था, उस पर बहुत ही अच्छा खासा रिस्पांस आया है। तो अभी मैं कंपाउंडिंग करने वाला हूँ, तो आप लोग भी इस पर अच्छा खासा रिस्पांस दिखाइए। आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा कंपाउंडिंग आज कंप्लीट हो पाता है कि नहीं गाइज। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं लेवल ड्रॉ कर लूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे कंपाउंडिंग करूँगा, $5 से कंपाउंडिंग करके आपको दिखाऊँगा गाइज। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट का क्या सिचुएशन हो रहा है। अभी मार्केट पूरा अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड होने के बाद मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर रही है। तो यहाँ पे मैं फुल कंपाउंडिंग करूँगा ग्रीन के लिए, और इसको ग्रीन कैंडल ही बनना है। क्योंकि गाइज मैं आपको बताता हूँ क्यों ग्रीन कैंडल बनना है, क्योंकि मार्केट पूरा अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे मार्केट इसको ब्रेक करके, इस स्ट्रॉन्ग SNR को ब्रेक करके गई हुई है। इसके बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट कैंडल बनी है, रिट्रेसमेंट यहाँ पे हुआ है। रिट्रेसमेंट के बाद गाइज आप देख सकते हो, एक कैंडल जो है एग्जॉशन कैंडल है, एक कैंडल शो कर रही है कि यहाँ पे सेलर जो है अभी ख़त्म हो चुके हैं, और यहाँ पे जो एंट्री हो रही है, एंट्री बायर्स की है, यहाँ पे बायर्स की एंट्री है। उस हिसाब से इसको एक छोटा कैंडल जरूर बनाना चाहिए, ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। देखते हैं क्या होता है इसका रिजल्ट, लास्ट तक आप लोग देखिए। इसको जो है ग्रीन कैंडल ही बनना चाहिए, और हमारी जो है शॉर्ट शॉर्ट कंपाउंडिंग यहाँ पर डन होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर शॉर्ट शॉर्ट कंपाउंडिंग हम लोग का यहाँ पर डन हो चुका है गाइस। अभी हम लोग और कंपाउंडिंग करेंगे इसको, और अमाउंट को ग्रो करेंगे गाइज। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। और गाइज अगर आप लोग अभी तक मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हो तो ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पे आपको 5 शॉर्ट शॉर्ट सिग्नल डेली दिए जाते हैं। अगर आप लोग मेरे VIP चैनल से ज्वाइन होना चाहते हो तो VIP चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पर आपको कंपाउंडिंग सेशन मिलते हैं, जहाँ पर आपको 3 स्टेप 4 स्टेप कंपाउंडिंग कराया जाता है, प्लस आपको वहाँ पे जो है शॉर्ट शॉर्ट सिग्नल भी दिया जाता है। तो आप लोग VIP ग्रुप से ज्वाइन होकर अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। तो चलिए गाइज अभी हम लोग और एनालाइज करेंगे, और अच्छा खासा एनालाइज करके जो है प्रॉफिट करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या सिचुएशन हो रहा है गाइज, कि यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट हुआ, रिट्रेसमेंट के बाद फिर से यहाँ पे बायर्स की एंट्री होने वाली है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आपके लिए फिर से ट्रेड करूँगा। तो यहाँ पे मैंने अब फिर से ट्रेड कर दिया, फुल अमाउंट का ट्रेड कर दिया है। इसको ग्रीन कैंडल बनना चाहिए मेरे हिसाब से, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट होता है गाइज। और गाइज अगर आपका कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, आप मुझसे पर्सनल बात करना चाहते हो तो आप मुझे DM कर सकते हो टेलीग्राम पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा ट्रेड है शॉर्ट शॉर्ट विन जा रहा है। इसके बाद मैं फिर से एक आपके लिए ट्रेड करूँगा, अगर ये कैंडल थोड़ा सा यहाँ पे आके बनती है तो मैं फिर से यहाँ पे फुल कंपाउंडिंग करने वाला हूँ गाइज। थोड़ा सा इसको यहाँ पे बनने दीजिए, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा, अगर डाउन आएगी तो गाइज हम फिर से यहाँ पे फुल कंपाउंडिंग करेंगे, और डाउन आना चाहिए इसको। और ये डाउन जैसे ही आती है तो आ नहीं रही गाइज, तो देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा देखिए कितनी बिग कैंडल बन गई, मुझे यहाँ पर एंट्री मिल रही थी, मैं थोड़ा सा मिस कर दिया एंट्री, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर ग्रीन कैंडल ही बनना है। कितनी बिग कैंडल बनी हमारी जो है, एक एंट्री मिस हो चुकी है, क्योंकि मैं सोच रहा था इसको थोड़ा सा यहाँ पे डाउन आ जाए तब मैं ट्रेड करूँगा, तो ये हमारी ट्रेड शॉर्ट शॉर्ट बिन जाएगी। वैसे भी ये शॉर्ट शॉर्ट बिन ही जा रही है। चलो मैं देखता हूँ अभी क्या होता है यहाँ पे, सिचुएशन क्या होता है, फिर उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए गाइस, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और यहाँ पर मैं किस तरीके से ट्रेड कर रहा हूँ वो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। देखिए यहाँ पर एक लेवल है, लेवल से टकरा रही है और इसके अंदर आके क्लोज हो रही है। अगर इसके अंदर आके क्लोज होगी गाइज तो हम लोग डाउन के लिए ट्रेड करेंगे, लेकिन सेफ्टी मार्जिन से ट्रेड करेंगे। और थोड़ा सा ऊपर जाए, यहाँ तक अगर जाती है कैंडल तो हम लोग डाउन के लिए ट्रेड कर देंगे। इसको रेड कैंडल बनना चाहिए, फिर से हमारी एंट्री मिस ना हो जाए। अगर ये थोड़ा सा और ऊपर जाती है, यहाँ तक आ जाती है, फिर भी हम लोग डाउन के लिए ट्रेड कर देंगे गाइज। थोड़ा सा आप देखो, इसको जाना चाहिए क्योंकि बायर्स प्रेशर है, यहाँ पर बायर्स प्रेशर है, तो उसके हिसाब से इसको यहाँ तक जाना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है, अगर ये जाती है यहाँ तक तो हम लोग फिर से डाउन के लिए ट्रेड करेंगे गाइस। तो यहाँ पे
मैंने कर दिया हूँ, यहाँ पे मैं कर दिया हूँ, मैं यहाँ पे करना चाहता था गाइस। तो देखते हैं क्या होता है इसका रिजल्ट। इसको आना चाहिए यहाँ तक, हैमर कैंडल बनाना चाहिए और हमारी ट्रेडों को विन देना चाहिए। देखते हैं क्या होता है इसका रिजल्ट गाइस। बने रहिए वीडियो में, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइज। आप लोग देखिए यहाँ पे, देख सकते हो मैं हर कैंडल पे ट्रेड कर रहा हूँ एनालाइज करके। और आप लोग भी ऐसे कर सकते हो ट्रेड, जब आपके पास नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा, जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग भी इसी तरीके से ट्रेड कर सकते हो। तो देख सकते हो गाइज यहाँ पे हमारी ट्रेड शॉर्ट शॉर्ट गिर गई है। यहाँ पे मैं फिर से ट्रेड करूँगा, यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे मैं फिर से जो है फुल कंपाउंडिंग कर दिया हूँ गाइज। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने फिर से फुल कंपाउंडिंग कर दिया है, क्योंकि यहाँ इसको रेड कैंडल बनना था, रेड कैंडल नहीं बनी, तो इसको जरूर ही रेड कैंडल ही बनना है। और ये हैमर कैंडल है, हैमर कैंडल शो कर रही है कि यहाँ पे रिवर्सल आने वाला है। प्लस इसको भी देखिए यहाँ पे विक्स का कितना रिजेक्शन हुआ, यहाँ पे विक्स का कितना रिजेक्शन हुआ, यहाँ पे विक्स का कितना रिजेक्शन हुआ, उस रिजेक्शन के हिसाब से। प्लस यहाँ पे एक लेवल भी है, तो इसको हिसाब से इसको रेड कैंडल ही बनना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रेड कैंडल ही बन रही है। इसके बाद फिर से मैं क्या करूँगा, फिर से मैं डाउन के लिए ट्रेड करूँगा एक। अभी आप देख सकते हो हर कैंडल पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, अभी मैं फिर से डाउन के लिए एक ट्रेड करूँगा, 100% यूज करूँगा अपना। तो यहाँ पे मैं फिर से जो है डाउन के लिए ट्रेड कर दूंगा गाइज। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मुझे एंट्री यहाँ पे मैंने लगाया था, लगा नहीं तो यहाँ पे मैं कर दिया हूँ गाइज। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने फिर से डाउन के लिए फुल कंपाउंडिंग कर दिया हूँ, और इसको विन ही जाना चाहिए, विन ही जाएगी गाइज। इसी प्रकार से मैं एनालाइज करता हूँ और परफेक्ट तरीके से ट्रेड करता हूँ। हर कैंडल पे ट्रेड कर सकते हो गाइज, अगर आपके पास परफेक्ट नॉलेज होगा तो आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात होती नहीं है। यहाँ पे अगर नॉलेज है तो आप कर सकते हो। और बिग ज़्यादा बिग कैंडल नहीं बननी चाहिए, यहाँ तक अगर आके क्लोज होती है थोड़ा सा ऊपर आ जाए आप ही जाने वाली गाइज। तो यहाँ पे मैंने फुल से फुल कंपाउंडिंग कर दिया हूँ। क्यों अब जाएगी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी ये लेवल को टच नहीं किया है। प्लस यहाँ पे बायर्स प्रेशर है, तो उस हिसाब से इसको इस लेवल से टकरा कर इसके ऊपर ही क्लोज देना चाहिए। तो इसके ऊपर ही क्लोज देगी, तो आप लोग वेट करिए लास्ट सेकेंड तक। तो देखना एक ट्रेड हमारी बिन जाएगी, डोजी बने, कुछ भी बने, इसको ऊपर ही जाके क्लोज देने वाली है ये। क्योंकि गाइज यहाँ पे परफेक्ट नॉलेज यूज हुआ है, तो उस हिसाब से इसको। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइज, हमारी ट्रेड शॉर्ट शॉर्ट बिन जा चुकी है। और आप अमाउंट देख सकते हो कितना अमाउंट हो चुका है हमारा। अभी हम लोग और कंपाउंडिंग करेंगे और आपको दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पे कंपाउंडिंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट किया जा सकता है। अगर आप अच्छा खासा मार्केट को टाइम दिए हुए हो और नॉलेज है आपके पास, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। अभी क्या हुआ गाइज, उसी पेयर पे मैं करता ट्रेड, लेकिन अभी थोड़ा सोच रहा हूँ मैं दूसरे पेयर पे करूँ। चलो इसी पे करता हूँ। देखो मैं ज़्यादा पेयर भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, एक ही पेयर पे ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता ही है एक पेयर पे ट्रेड करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। जब आपको आता है सब कुछ, मार्केट को रीड करने आता है, तो आप आसानी से एक पेयर पे ट्रेड कर सकते हो। भाई यहाँ पे मुझे एक एंट्री मिल रही है, अगर ये तो यहाँ पे मैंने पूरा कंपाउंडिंग कर दिया है डाउन के लिए। तो आप देखो इसका क्या रिजल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं गाइस इसका क्या रिजल्ट होता है। मेरे हिसाब से इसको रेड कैंडल ही बनना चाहिए, या डोजी कैंडल बनेगी या रेड कैंडल बनेगी। तो आप लोग देखना इसको लास्ट सेकेंड तक क्या रिजल्ट होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, शॉर्ट शॉर्ट हमारा ट्रेड यहाँ पे बिन जा चुका है, जो कि रेड कैंडल बन चुकी है जो। तो चलिए और कहीं पे हम लोग एंट्री देखते हैं, जहाँ पे मुझे परफेक्ट एंट्री मिलेगी, तो हम लोग फिर से कंपाउंडिंग करेंगे और इस कंपाउंडिंग को, टारगेट को कंप्लीट करने वाले हैं। ओके गाइस, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मुझे एक एंट्री मिलने वाली है, जो कि शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड हम लोग का होने वाला है। तो यहाँ पे मैं ट्रेड करूँगा, यहाँ पे जो मेरा ट्रेड होने वाला है, शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड होने वाला, तो यहाँ पे मैं ट्रेड करूँगा। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा, ये कैंडल बन रही है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा गाइस, यहाँ पे मैं फुल कंपाउंडिंग कर दूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने फुल कंपाउंडिंग कर दिया है, इसको शॉर्ट शॉर्ट विन जाना चाहिए। तो आप देखिए गाइस लास्ट सेकेंड तक ही हमारी ट्रेड विन ही जाने वाली है। आप लोग लास्ट तक देखिए इस ट्रेड को। तो गाइज आप यहां पे देख सकते हो कितना डीप अप जा रहा था, फिर भी मार्केट यहां से टकरा के डाउन ट्रेंड में आ चुका है, क्योंकि यहां पे इसको रेड कैंडल ही बनना है, तो ये रेड कैंडल ही बनेगी गाइज। तो आप देख सकते हो यहां पे हमारा शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड विन जा रहा है, और इसको शॉर्ट शॉर्ट ही ट्रेड विन जाना चाहिए।
तो देखते हैं क्या होता है इसका रिजल्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइज, यहाँ पे हमारा ट्रेड शॉर्ट शॉर्ट जो कि विन जा चुका है और यहाँ पे हमारी जो है कंपाउंडिंग हो चुकी है गाइज। अभी हम लोग का जो टारगेट है $10,000 टारगेट है, उसको हम लोग अचीव करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपके लिए ट्रेड कर दिया हूँ गाइज, तो सेफ्टी मार्जिन से मैंने यहाँ पे आपके लिए ट्रेड की है और इसको ट्रेड को विन जाना चाहिए। देखते हैं इसका क्या रिजल्ट होता है, आप लोग देखना लास्ट सेकेंड तक। ये है डोजी कैंडल बनने वाली है, छोटी रेड बनेगी डोजी बनेगी, ऐसा ही कैंडल यहाँ पे फॉर्म होने वाला है। तो आप लोग देखो लास्ट सेकंड तक इसका क्या रिजल्ट होता है। तो इसको डोजी कैंडल या छोटा रेड कैंडल बनना चाहिए और हमारी ट्रेड इसको विन जानी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे एक लेवल है और ये लेवल काम करेगी, ये ग्रीन कैंडल भी बन सकती है गाइस। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जैसा कि मैंने बोला था, एकदम वैसे ही यहाँ पर परफॉर्म हुआ कैंडल, हमारी प्रिडिक्शन के मुताबिक यहाँ पे चली हुई है, हमारा जो है प्रिडिक्शन यहाँ पे सही हुआ, हमारा कंपाउंडिंग यहाँ पे डन हो चुका है गाइस। अभी हम लोग और किसी पेयर पे देखते हैं जहाँ पे मुझे परफेक्ट एंट्री के साथ ट्रेड मिलेगा, तो हम लोग ट्रेड करेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं फुल कंपाउंडिंग करूँगा, तो यहाँ पर मुझे एंट्री मिल चुकी है। तो यहाँ पर मैं तो मेरा यहाँ पे और ट्रेड लगा नहीं, यहाँ पे मेरा $1,000 का ही ट्रेड लगा हुआ है गाइस। तो यहाँ पे मुझे करना था पूरा कंपाउंडिंग, थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्ट कैंडल डाउन आ चुकी है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इसका रिजल्ट गाइस। तो इसको तो विन ही होना है इस ट्रेड को, फिर देखते हैं क्या होता है, कहीं और एंट्री मिलती है तो हम लोग फिर से ट्रेड करेंगे और जो हमारा आज का टारगेट है $10,000 का उसको कम्प्लीट करेंगे। और इसी तरीके से कंपाउंडिंग वीडियो और भी लाऊंगा अगर आप लोग सपोर्ट करोगे। और अगर आप लोगों को स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए, शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न चाहिए, तो कमेंट करो गाइज, उस पर भी वीडियो मैं बनाऊंगा। भी एक पैटर्न पे मैंने वीडियो बनाया जो कि शॉर्ट शॉर्ट कंपाउंडिंग पैटर्न है, जाके आप चैनल पे वीडियो होगा उस वीडियो को जाकर देखिए गाइज, जो कि शॉर्ट शॉर्ट कंपाउंडिंग पैटर्न है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी ट्रेड यहाँ पर शॉर्ट शॉर्ट विन जा चुकी है। अभी मैं और एंट्री खोजता हूँ जहाँ पर मुझे परफेक्ट एंट्री मिलेगी, तो हम लोग ट्रेड करने वाले हैं गाइज। मुझे एंट्री सही एंट्री मिलेगी तो हम लोग ट्रेड करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अगर ये थोड़ा सा डाउन आ जाती है तो हम लोग यहाँ पे फुल कंपाउंडिंग कर देंगे। तो डाउन नहीं आ रही है, तो देखते हैं इसका क्या रिजल्ट होता है गाइज, मतलब कि इस कैंडल को कहाँ पर क्लोज देती है। अगर ये कैंडल यहाँ इस लेवल तक क्लोज देगी तो हम लोग डाउन के लिए ट्रेड करेंगे, अगर यहाँ पर क्लोज देगी तो फिर से हम लोग आपके लिए ट्रेड करेंगे। देखते हैं क्या होता है। तो गाइज चलिए देखते हैं, इस कैंडल पे मैं यहाँ पे फुल कंपाउंडिंग कर दे रहा हूँ और यहाँ पे मुझे श्योर है कि यहाँ पे मैं पूरा कंपाउंडिंग कर दिया हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पूरा कंपाउंडिंग यहाँ पे डन कर चुका हूँ, क्योंकि इस कैंडल को इस लेवल तक जाना चाहिए, यहाँ तक जाना चाहिए इसको, और इसको यहाँ तक इसको कम्प्लीट करना चाहिए, इसको भी ब्रेक कर सकती है। देखते हैं क्या होता है इसका रिजल्ट गाइज, और यहाँ पे हमारा कंपाउंडिंग डन होने वाला है, इसको ट्रेड को ग्रीन कैंडल ही बनना चाहिए। देखते हैं लास्ट सेकेंड तक क्या होता है, आप लोग देखिए इस कैंडल को क्या बनता है गाइज, और ये ट्रेड हमारी विन ही जानी चाहिए। देखते हैं क्या होता है लास्ट सेकेंड तक, आप देखिए गाइज। और गाइज अगर आप लोग मेरे VIP चैनल से ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पर मैं डेली शॉर्ट शॉर्ट कंपाउंडिंग कराता हूँ अपने मेम्बर्स का, वो मेम्बर अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, तो आप लोग भी प्रॉफिट कर सकते हो। अगर आप लोग अभी तक VIP ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए तो हो जाइए गाइज बहुत। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड विन जा चुका है, जो कि हमारा $4,000 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख सकते हो अभी मैं और ट्रेड करूँगा, जो कि जैसा कि मैंने बोला था $10,000 का हमारा टारगेट है, तो उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे रेड कैंडल एक बनना चाहिए, तो रेड कैंडल ही बन रही है, एंट्री हम लोग की मिस हो चुकी है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। अभी गाइज मैं कहीं और पे एंट्री खोजता हूँ, जहाँ पे मुझे परफेक्ट एंट्री मिलेगी तो वहाँ पे हम ट्रेड करेंगे गाइज। तो गाइज यहाँ पे मैं फुल कंपाउंडिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फुल कंपाउंडिंग यहाँ पे कर दूंगा, जो कि हमारा ट्रेड यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट विन जाने वाला है। तो आप लोग देखिए लास्ट सेकेंड तक इसको देखिए, रेड कैंडल ही बनने वाली है और यहाँ पर हमारा शॉर्ट शॉर्ट कंपाउंडिंग होने वाला है गाइज, और इस कंपाउंडिंग के बाद हमारा अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट गेन हो जाएगा। मेरा जो टारगेट था $10,000 का टारगेट था, तो यहाँ पे मेरा $8,000 हो चुका है। तो गाइज बस इतना ही करेंगे, अब इसके अलावा मैं एक ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अगर ये ट्रेड लॉस हो जाएगा तो हमारा अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पे जाने वाला है। तो हम लोग अब ट्रेड नहीं करेंगे, इतना ही इनफ है, $5 से
$8,000 बहुत ही होता है गाइज, आप लोग समझ सकते हो कितना अमाउंट होता है। तो यहाँ पे जैसे ही ट्रेड विन हो जाएगी तो हम लोग आज के लिए क्लोज कर देंगे वीडियो। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग का जो है अमाउंट $8,000 हो चुका है, जो कि हम लोग $5,000 से जो है स्टार्ट किए थे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा अमाउंट अच्छा खासा ग्रो हो चुका है कंपाउंडिंग करके। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप लोग मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हो तो ज्वाइन हो जाइए। सारे लोगों को फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं मिल रहा है, ओपन नहीं हो रहा है, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको इस पर जाके मुझे मैसेज करना होगा। टेलीग्राम पे आपको @Ajit1AMT आप लिखोगे, वहाँ पे आप मुझको DM कर सकते हो। अगर आपको टेलीग्राम लिंक नहीं मिल रहा तो आप DM करके मुझसे जो है संपर्क कर सकते हो, तो मैं आपको वहाँ पे फ्री टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करा दूंगा। तो आप लोग फ्री टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होके आप मेरे VIP चैनल पे ज्वाइन होके अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। तो गाइज आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ गाइज नेक्स्ट वीडियो में।